क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और आइए जान लेते हैं सॉलिड स्टेट में से क्या पोर्शन आपको तैयार करना है और कितनी तैयारी आपकी होनी क्या चाहिए। आपने डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड किया है? क्या सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, इनकी डेफिनेशन याद की है? इनमें डिफरेंस किया है या नहीं किया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये किया है या नहीं किया, इसको जरूर चेक कर लीजिए। उसके अलावा आपने सभी डिफेक्ट और डिफेक्ट्स का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी डिक्रीज होती है, इस तरह से आपको इन डेंसिटी को, इन डिफेक्ट्स को तैयार करना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आपको याद करनी होगी कि हर तरह की यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। 13-14 कंपाउंड किसे कहते हैं, डोपिंग के अंदर ये टॉपिक आएगा, क्या ये आप तैयार कर चुके हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक किसे कहा जाता है, ये आपको यहां से आ जाना चाहिए। फॉरबिडन जोन किसे कहते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वगैरह के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको लर्न करना चाहिए। स्ट्रक्चर्स में से फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड CF2, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर लेना चाहिए। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर है और जेड की वैल्यू क्या है, जरूर करनी है। और एनसीईआरटी में से और प्रीवियस ईयर में से न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डेंसिटी।